तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि एक पार्टिकल इज एक्टेड अप बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देखो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, एम ए कांस्टेंट है, डायरेक्शन में बदल सकता है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर फोर्स मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट और हमेशा परपेंडिकुलर है, तो देखो मोशन ऑफ द पार्टिकल एक प्लेन में भी हो रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज। देखो अगर एक पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी इधर है और फोर्स हमेशा उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये फोर्स इस वेलोसिटी की कभी भी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन बदल लेगा। अगले मोमेंट ये पार्टिकल यहाँ रहेगा और फोर्स मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट है और सेम। तो कुल मिला के आप ऐसे इमेजिंग कर सकते हो कि बेस्ट एग्जाम्पल इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर तुम देखोगे, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है और उस पे, इसका मतलब एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर है और वो हमेशा एक ही प्लेन में है, ये वाली चीज़, तो और वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर है, तो बेस्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वेलोसिटी इधर है, ये थीटा 90 है और सेंट्रीपेटल एक्सलेशन मल्टीप्लाइड बाई मास इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये फोर्स देखो कभी भी इसकी मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि जो वर्क डन हो या पड़े हो गए या नहीं पड़े हो गए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट उधर है जिधर ये वेलोसिटी है, तो कुल मिला के वर्क डन जीरो है। तो वर्क डन जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, जबकि इस ये कांस्टेंट रहा, स्पीड कांस्टेंट रहा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, वो भी तो कांस्टेंट होगी यार, ठीक है ना? तो अगर ये भी कांस्टेंट होगी तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं बदल सकता, सिर्फ ये फोर्सेस वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकता है, ठीक है ना? थैंक यू।